हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। क्या क्या क्वाड्रिलेटरल देख रखी है आपको, देखो फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, डी ई ए आर। डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम क्या लेके चले, डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो डी ई है उसमें ई के ऊपर एंगल दे रखा है 60 डिग्री, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, डी ई इज इक्वल टू, फर्स्ट देखते हैं हम, डी ई इज इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई, इस पॉइंट का नाम डी है और ये आपके पास पॉइंट है ई। 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने एक एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री एट ई। ई के ऊपर हमारे पास कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का जब हमें एंगल ड्रॉ करना है तो आपकी चॉइस है, सिंपली हम ड्रॉ कर सकते हैं 60 डिग्री का एंगल, ऐसे करके ऐसे कट लगाएंगे और जो फर्स्ट कट होता है हमारे पास वो कितने पे होता है, 60 डिग्री पे। तो ये हमारे पास कट हो जाएगा 60 डिग्री पे एंड रेडियस 5 टू मीट द एंगल लाइन ए। ए फिर हमारे पास ई से जो ए आएगा हमारे पास, क्योंकि डी ई ए आर, ए हमारे पास कितनी दूरी पे आएगा, ई ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम कंपास ओपन करेंगे, ऐसे कंपास ओपन कर लिया हमने 5 सेंटीमीटर। फिर जो हमारे पास ई है इस पॉइंट पे हम, क्योंकि इधर 60 डिग्री का है लाइन इधर आएगी, तो इधर ही हम कट लगाएंगे और क्या नाम है उसका, ए पॉइंट आएगा। अब देखो डी से हमारे पास ई ए आ जाएगा हमारे पास यहाँ, तो अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है, कैसे मिलाना है देखते हैं। ये हमारे पास पॉइंट एज इट इज था, ये आपके पास है ये और ये, इन तीनों को हमने जब मिलाया तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, डी ई ए, ये पॉइंट क्या है आपके पास से ए। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए, ए के ऊपर फिर हमें कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 90 डिग्री का। तो फिर हम हमारी जो फिगर दे रखी है उसको थोड़ा सा राउंड लगाएंगे और हमारे पास जो ए पॉइंट है उसके ऊपर एंगल बनाएंगे हम कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ए के ऊपर एंगल 90 डिग्री का बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे हम ए के ऊपर एंगल। ये हमारे पास ए है, ए के ऊपर हमने देखा बिल्कुल सीधी लाइन, ये हमारे पास लाइन मैच करगी और हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो सीधी लाइन आएगी क्या आएगी हमारे पास, 90 डिग्री के लिए आएगी। ये हमारे पास ऐसे आएगी सीधी लाइन 90 डिग्री के लिए, लेकिन कहाँ तक आएगी ये लाइन, रफली ड्रॉ की मैंने। अब ये देखना है हमें डी से जो आर पॉइंट है वो हमारे पास कितना दे रखा है, आपके पास गिवन नहीं है, डी से आर नहीं है। फिर ए से आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4.5 पे कट लगा लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर कहाँ है हमारे पास, ये है 4.5 सेंटीमीटर, कंपास ओपन किया इसके ऊपर रखेंगे और कट लगाया हमने 4.5 सेंटीमीटर पे। 4.5 सेंटीमीटर पे कट लगा के हम इसको मिला देंगे, कैसे, ऐसे करके हम इसको मिलाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट का नाम आपके पास क्या आएगा, R। अब R से हम किसको मिलाएंगे, D को मिलाएंगे और हमारे पास DR है वो भी गिवन नहीं है, तो वो भी हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, D और R को मिलाओ, ये हमारे पास पॉइंट D है और ये हमारे पास R है, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। यहाँ पे हमारे पास A के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाया था हमने, 90 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। दोनों एंगल ड्रॉ कर दिए, दो एंगल दे रखे थे हमें और क्या क्या दे रखा था आपको, DE कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और E से A कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, A से R 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है और कुछ गिवन नहीं है, और डी से आर है वो हमारे पास गिवन है ही नहीं, वो हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या है गिवन देखते हैं। सेकंड में दे रखा है टी आर यू ई, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे टी आर यू ई,
ये हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। इसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, टी आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, आर यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यू ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपके पास सारा का सारा गिवन है। अब इस गिवन से देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। टी आर यू ई, टी आर हमने कितना ले लिया 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने टी आर ड्रॉ कर लिया 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आया 3.5 सेंटीमीटर टी आर, ड्रॉ कर लिया टी आर 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास से या तो टी के ऊपर या आर के ऊपर है किसी के ऊपर एंगल, आर के ऊपर एंगल है आपके पास कितना है 75 डिग्री का, तो हम आर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 75 डिग्री का। डी उठाएंगे ऐसे रखेंगे इसको और 75 का देखो अगर 90 से बड़ा होगा तो इधर आएगा, 90 से छोटा है तो हमारे पास इधर आएगा। लाइन देखते हैं ना, अगर हमारे पास लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है लाइन की साइड आता है तो कम होता है, लाइन से बाहर की साइड जाता है तो ज़्यादा होता है। तो लाइन हमारी इधर है तो कम के लिए इधर आएगा हमारे पास, तो 75 डिग्री कहाँ है, ये हमारे पास है 75 डिग्री के लिए। फिर R से टी आर यू, यू हमारे पास मिलेगा क्या, यू आर दे रखा है आपको, आर यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर के लिए कंपास ओपन करेंगे और कट लगाएंगे। R से हमने कट लगा लिया, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास कट। फिर इस पॉइंट को और इसको मिलाने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की जिस की वैल्यू हमारे पास सिर्फ यहीं तक है। इस पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया, यू, क्या नाम है, यू। उसके बाद एंगल U के ऊपर हमें कितना दे रखा है 120 डिग्री का एंगल है। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, TR हमने ड्रॉ कर लिया 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और R से U हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, UE, U से E कितना आएगा हमारे पास 4.5, वो तो हम तब ड्रॉ करेंगे जब U के ऊपर 120 का एंगल ड्रॉ होगा। अब U के ऊपर देखते हैं 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे, फिगर को हम ऐसे राउंड लगाएंगे और 120 का एंगल, यहाँ पे हमने कंपास रखा एज इट इज़। अब देखो मैंने अभी बताया था अगर हमारे पास 90 से कम है तो हमारे पास जिधर लाइन है हमारी उधर किस साइड आएगा, अंदर की साइड आएगा 90 से कम, और 90 से ज़्यादा है तो लाइन से बाहर, लाइन तो हमारी अंदर की साइड है तो इधर तो नहीं आएगा, 120 है तो इधर बाहर की साइड आएगा, बाहर की साइड 120 का हमारे पास ये है 120, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 के लिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि यू से लेके ई तक हमारी डिस्टेंस है 4.5, तो हम कंपास से 4.5 ड्रॉ कर लेंगे। 4.5 के लिए हमारे पास है 4.5, ये लाइन है 4.5, इसके ऊपर जब हमने रखा और कट किया 4.5 पे, इसको मिलाने के लिए हमने लाइन को ड्रॉ किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है ना, तो इसको मिलाने के लिए हमने लाइन ड्रॉ की, और ये हमारे पास जो लाइन है ये किसके लिए आ जाएगी, ई के लिए। इस लाइन का हमारे पास नाम क्या होगा, ई, टी आर यू ई, ये हमारे पास क्या है, E। और फिर E से हम किसको मिलाएंगे, T को मिलाएंगे, क्योंकि E से T आपके पास गिवन तो है नहीं, ये तो एज इट इज़ मिलाना है आपको, तो इसको ऐसे का ऐसे मिला देंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा टी आर यू ई, आपके पास क्या बन गया है कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, ये आपको ड्रॉ करके दिखा रखा है, अगर आप डी के बजाय पेंसिल से ड्रॉ करोगे, कंपास के हेल्प से करोगे, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा रहेगा कि आप डी से ड्रॉ करो, उससे आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 4.4, दो क्वेश्चन थे जो हो गए हमारे, ठीक है, ओके, थैंक यू।